हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और हम लोग आए हैं आज विशाल मेगा मार्ट। घर में मन नहीं लग रहा था तो हम लोग आ गए घूमने के लिए। और टाइमिंग हो रहा है समथिंग 8:30 बज रहा है। और जैसे ही विशाल मेगा मार्ट के हम अंदर घुसे तो यहाँ मिस्टी को टॉयज, बच्चों का तो होता है ना कि उनको कहीं भी आप ले जाओ, बस अपनी जो मेन चीज़ होती है वहाँ पर ही जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मिस्टी तो तुरंत ही टॉयज की तरफ आ गई मुझे लेकर और टॉयज़ खरीद रही है। तो यहाँ मिस्टी ने लिया एक डॉक्टर सेट। मैं बोल रही थी कि पहले ही घर से बोल दिया था कि मिस्टी 200 रुपये तक के अंदर ही मैं तुम्हें दिलाऊंगी, इससे महंगा मत लेना। तो मैं बोल रही हूँ कि मिस्टी ये भी इसी रेंज का है, इससे तो पज़ल ले लो। तो मिस्टी बोल रही है नहीं मम्मा, मुझे तो डॉक्टर सेट ही चाहिए। तो मैं, ठीक है तुम डॉक्टर सेट ही लो, जब तुम्हें डॉक्टर सेट ज़्यादा पसंद है, डॉक्टर बनना है मिस्टी को। तो टॉयज़ इतने बढ़िया बढ़िया लग रहे थे, और मॉल के अंदर आ जाओ ना तो मन करता है हम ये भी ले लें और वो भी ले लें, लेकिन अपना बजट भी देखना पड़ता है। तो यहाँ मिस्टी मुझे लेकर आई है कि मम्मी मुझे स्केटिंग चाहिए। तो मैं उसे समझा रही हूँ कि बेटा अभी आप चला नहीं पाओगे, थोड़े से बड़े हो जाओ फिर हम लोग दिला देंगे आपको। तो मिस्टी बोल रही है ठीक है मम्मा। वैसे हमारी मिस्टी बहुत समझदार है, जैसे इसे मैं बोल देती हूँ ना तो उस चीज़ को ये मान जाती है, ज़िद्द नहीं करती जैसे बहुत से बच्चे होते हैं कि ज़िद्द करने लगते हैं। लेकिन ये इसे जैसे समझा देती हूँ समझ जाती है। अब देखो मैं यहाँ पर इसे पज़ल दिखा रही हूँ कि मिस्टी तुम पज़ल ले लो, सेम रेट है दोनों का। तो कह रही है नहीं मम्मा मुझे डॉक्टर सेट ही चाहिए। तो फिर मैं पज़ल नहीं ले रही, मैंने कि पज़ल तो मैं नेक्स्ट टाइम दिला दूँगी, क्योंकि मिस्टी का बर्थडे जून में होता है, 11 जून। तो मैंने कहा ठीक है 11 जून आने में भी अब ज़्यादा टाइम नहीं है, उस टाइम पर दो गिफ्ट मैं आपको दे दूँगी अपनी मर्ज़ी के। फिर यहाँ मैं इसकी ड्रेस देख रही हूँ, वैसे तो ठीक लग रही है बट ये गर्ल्स की है तो मैं नहीं ले रही। मैंने कि पता नहीं तुम पहनो और अच्छी भी ना लगे तुम पर। बहुत अच्छे अच्छे कपड़े आए हुए हैं इस समय, कुर्ती उर्ती। मैं लेने के पर्पज़ से कुछ नहीं आई थी, बस हम लोग घूमने आ गए थे, लेकिन जब अंदर आ गए तो सोचा कुछ ले ही लेते हैं जब आए हैं। तो यहाँ हम लोग चले गए ऊपर, क्योंकि मुझे थोड़ा खाने पीने का सामान चाहिए मिस्टी के स्कूल का, क्योंकि लंच में फिर दिक्कत होती है क्या दूँ क्या ना दूँ। तो बस मैं यहाँ देखती हूँ मुझे क्या क्या लेना है, घर जाकर आपको सब दिखाऊंगी। हाँ मैं बेड शीट देख रही थी बट बेड शीट का मुझे कपड़ा ज़्यादा पसंद नहीं आया। मॉल से आ चुके हैं और टाइम काफ़ी हो गया था, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी हमसे जितना हो सका सामान हमने उतना ले लिया है। चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं इतना सारा सामान है। ये पास्ता लेकर आई थी मैं, क्योंकि स्कूल में और ब्रेकफास्ट में बनाने के लिए काम आ जाता है। तो ये 99 में 2 मिले हैं, एक के साथ एक फ्री का वो चल रहा था ऑफर। और ये बॉटल देख सकते हैं आप कितनी सारी, पूरी 12 बॉटल है ये। तो ये 149 का चल रहा था, 149 में 12 का सेट है। तो ये मैं ले आई हूँ, 12 काम आ जाएंगी फ्रिज में रखने के। और ये फ्रूटी का कोल्ड ड्रिंक मिली है, ये भी हाँ 149 में 4 बॉटल मिली है। यहाँ पर मैं 2 पोहे के पैकेट लेकर आई हूँ, ये 70 रुपये में, ये भी एक के साथ एक फ्री था, मतलब 70 रुपीज में 2 पैकेट। ये है टूथपेस्ट 149 का, दंत रक्षक, ये किसान की टमाटो केचप, कॉलिन मिल रहे थे 99 में 2, मुझे सही लगा क्योंकि मिरर या फ्रिज के काम आ जाते हैं साफ करने के, इसलिए मैंने ले लिया। ये बिस्किट है 60 रुपीज में 4 पैकेट चॉकलेट वाले। मेरे पास और ये सेट है कितने का, ये 105 रुपए में है। इसमें डिशवॉशर है, हार्पिक है और फिनाइल है। तो ये भी सही लगा, मतलब यूज की आने वाली चीजें लेकर आई हूँ। ये मिस्टी अपने लिए जूस लेकर आई है ऑरेंज का, ये 115 रुपए का है। और क्या लिया मिस्टी आपने? ये मिस्टी ने बैफर्स लिए हैं, ये भी एक के साथ एक फ्री का है, 48 में 2 है। और मिस्टी अपने लिए, मिस्टी और क्या लाए हो आप अपने लिए दिखाओ। और यहाँ देखो मिस्टी के फ्रेंड खेलने आ गए हैं, डॉक्टर सेट हाय करो नानू, हाय। ये डॉक्टर सेट लेकर आई है मिस्टी, 199 का, 199 रुपीज का। हाँ अब मिस्टी और नानू डॉक्टर बन चुके हैं। नहीं, डॉक्टर कौन है और पेशेंट कौन है? मैं डॉक्टर हूँ, नोनू पेशेंट। नोनू आप पेशेंट हो? नहीं। हाँ मैं चोर। अरे भाई चोर का क्या काम है? चोर तो पुलिस पकड़ती है। डॉक्टर तो पेशेंट को देखेगा ना, नोनू के टीथ खराब है।
अब हाँ नोनू के टीथ सही कर देगी, ठीक है ना? चलिए मिस्टर बाय बोल दो। बाय गाइस, गुड नाइट। बाय गाइस, गुड नाइट। कल बताना आप लोगों को मेरा सामान कैसा लगा। बहुत जल्दी जल्दी करा क्योंकि 10 बज गया था पूरा और मॉल बंद होने लगा था और हम लोग उधर से ही खाकर आए हैं पाव भाजी, तो आज हम लोगों ने बाहर का ही खाया है। ठीक है, मिलते हैं आपको कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो को फुल वॉच करिएगा और वीडियो को फुल वॉच करने के लिए धन्यवाद। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर फ्रेंड्स।